नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देश में धर्म परिवर्तन एक बड़ी समस्या बन चुका है। धर्मांतरण को लेकर लगातार बातें होती रहती हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कुछ राज्यों में इसे लेकर कानून जरूर बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म परिवर्तन को लेकर खबरें सामने आती रहती है। अब इस बीच ताजा मामला बिहार से आ रहा है, जहां खुलेआम धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर धर्म परिवर्तन के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। जब देश के कुछ लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, तो इसके कई कारण होते हैं और उनमें से एक बड़ा कारण धर्म परिवर्तन है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से लगातार धर्मांतरण हो रहा है और बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है। और अब इसी बीच धर्मांतरण का एक ताजा मामला बिहार के बक्सर से सामने आया है, जिसने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि यहाँ धर्मांतरण किसी बंद कमरे में या घर के अंदर नहीं बल्कि खुलेआम हो रहा है। दरअसल तीन धर्म प्रचारक द्वारा ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ये लोग महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। पहले महिलाओं को कहा जाता था कि आप गंगा नदी में डुबकी लगाएं और उसके बाद उनके माथे पर क्रॉस का निशान बना दिया जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब उनका सिंदूर भी हटा दिया जाता है। और इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्हें मना करने की कोशिश की गई, तो धर्म प्रचारकों के द्वारा ग्रामीणों पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर सिमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागपुरा गांव में स्थित एक मिशनरी से जुड़े तीन प्रचारकों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इलाके में धर्म परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया, तो धर्म प्रचारकों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं जब धर्म प्रचारकों ने इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि एक गांव का एक समूह अपनी मर्जी से हमारे पास आया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। पूछताछ उन महिलाओं से भी की गई जो इन धर्म प्रचारकों से संपर्क में थी। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और पुलिस अभी भी मामले की जाँच कर रही है। वही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। भाजपा नेताओं ने धर्म प्रचारकों की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा, चमत्कार स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी पर कार्यवाही की मांग की। तो देखना होगा कि धर्म परिवर्तन को देश में कैसे रोका जाएगा, क्या पूरे देश में धर्मांतरण को लेकर कानून बनेगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बिहार की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी बिहार।